नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने बॉलीवुड चैनल पे। भोली सी सूरत, मासूम सी स्माइल, जो कोई भी देखता है दीवाना हो जाता है इस सावरिया का। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, ये कोई और नहीं पर ये जवानी है दीवानी के एक्टर रणवीर कपूर हैं। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है कि हसीनाएं इनकी दीवानी हो जाती हैं, कुछ तो बात है इनकी अदाओं में कि हसीनाएं लट्टू हो जाती हैं इन पे, कुछ तो बात है इनकी पर्सनालिटी में। रणवीर कपूर ने अपने अलग अलग किरदार से अपना सिक्का जमाया है फिल्म इंडस्ट्री में और काफ़ी फेमस भी हुए हैं अपनी एक्टिंग की वजह से। वहीं रणवीर के प्यार के किस्से भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। आइए ये जानते हैं कि कौन कौन सी हसीनाएँ हैं जिन पर रणवीर ने अपना जादू चलाया और हसीनाएँ हो गई रणवीर के प्यार में गिरफ्तार। पहले नंबर पर नाम आता है अवंतिका मलिक का, फर्स्ट लव ऑफ रणवीर कपूर। अवंतिका और रणवीर सीरियस रिलेशनशिप में थे, इनके बीच बात नहीं बनी और ब्रेकअप हो गया। ये रिलेशन पाँच सालों तक चला। दूसरा नाम आता है इस लिस्ट में सोनम कपूर का। रणवीर कपूर और अनिल कपूर की बेटी और स्टाइल टाइकून सोनम कपूर की पहली फिल्म थी सावरिया। इस फिल्म के बाद रणवीर कपूर का नाम सोनम कपूर के साथ जुड़ा। एक टीवी शो में से सोनम कपूर ने यह बात एक्सेप्ट भी की थी, पर सोनम रणवीर के कमिटमेंट से खुश नहीं थी। यह अफेयर फिल्म रिलीज होने के कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक चला। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि रणवीर इस रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे, इसलिए यह अफेयर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। नंदिता मेहतानी। रणवीर वॉज हेड ओवर हील्स विद फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी। वैसे तो ये रणवीर से 15 साल की बड़ी थी, बट थिंग्स डिडंट गेट वर्क फॉर देम एंड दे ब्रोक अप एंड मूव्ड ऑन। चौथे नंबर पे आती हैं दीपिका पादुकोण। उनके बाद रणवीर का नाम जुड़ा दीपिका पादुकोण के साथ। दीपिका से रणवीर बचना ए हसीनों के फिल्म के सेट पे ही मिले थे। फिर क्या था, शुरू हो गई दोनों की लव स्टोरी और दीपिका बच ना सकी रणवीर के ब्रह्मास्त्र से। कहा जाता है कि इनका रिलेशन काफ़ी सीरियस था और ये रिलेशन पूरे 3 सालों तक चला। यहाँ तक कि इन दोनों का आना जाना एक दूसरे के परिवार में भी होता रहा। कहा तो यह तक गया कि रणवीर दीपिका के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन यह संबंध होते होते रह गया। इनके बीच ब्रेकअप क्यों हुआ यह बात अब तक साफ नहीं हुई है, बट लेटर रणवीर एडमिटेड दैट ही चीटेड ऑन हर। फैंस भी इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे थे, बट हो गया इनका ब्रेकअप। और एक इंटरव्यू में दीपिका ने यह कमिट भी किया कि कैसे इस रिलेशन की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, बट नाउ शी हैज़ कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड हैप्पीली मैरिड टू रणवीर सिंह। रणवीर और दीपिका की शादी 2018 में हुई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नरगिस फाखरी का। रणवीर कपूर का नाम कुछ समय के लिए ही सही रॉकस्टार नरगिस फाखरी के साथ भी जुड़ा। नरगिस ने रणवीर के साथ रॉकस्टार फिल्म की थी। रणवीर का रिलेशनशिप नरगिस के साथ रॉकस्टार की सेट पे ही शुरू हुआ। उन्होंने कभी अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं किया। उन दिनों की बात है जब दीपिका और रणवीर के बीच ब्रेकअप हो गया था। वैसे तो नरगिस फाखरी का अफेयर उदय चोपड़ा के साथ माना गया। नरगिस और रणवीर दोनों ही इस अफेयर को गुपचुप रखने का काफ़ी प्रयास किया। यह दोनों मीडिया के सामने नहीं दिखे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। रणवीर के प्यार की कहानी एक बार फिर शुरू हुई अनजाना अनजानी के सेट पे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेमस प्रियंका चोपड़ा की। स्क्रीन की सिजलिंग केमिस्ट्री लव अफेयर में कब बदल गई पता ही नहीं चला। इनका रिलेशन भी 1 सालों तक चला, बट थिंग्स डिडंट वर्क फॉर देम एंड दे एंडेड एंड गॉट सेपरेटेड। अब प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन फेमस पॉप स्टार निक जोनास के साथ शादी कर चुकी हैं और एक अच्छी लाइफ बिता रही हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एंजेला जॉनसन का। एंजेलिना जॉनसन चेन्नई बेस्ड मॉडल हैं जिनके पीछे रणवीर काफ़ी लट्टू हुए, लेकिन रणवीर ने कभी एंजेला जॉनसन के साथ अपने रिलेशन कन्फर्म नहीं किया, लेकिन उनके साथ भी काफ़ी बार डेट पे गए। यहाँ भी इनकी बात ना बनी और इनका ब्रेकअप हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कैटरीना कैफ का। रणवीर कपूर के जिस अफेयर का सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ वो थी कैटरीना कैफ के साथ।
कैटरीना के साथ संबंध को रणवीर ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया। विदेश में छुट्टी मनाने के दौरान कैटरीना कैफ की एक बिकिनी फोटो ने इस अफेयर को काफ़ी हवा दी। इस तस्वीर के जारी होने के बाद रणवीर और कैटरीना दोनों ही रिश्ते को लेकर काफ़ी गंभीर हुए। खबरें तो यह तक आई कि रणवीर कपूर कैटरीना की माँ से मिलने गए थे, हालांकि यह दोनों ही अभी शादी करने की बात नहीं कर रहे हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर रणवीर कैटरीना कैफ से मिले। उनके तो इवन शादी के भी प्लान्स थे, लेकिन बाद में इनका भी सेपरेशन हो गया। एज पर द सोर्स, सलमान खान वॉज द रीजन टू दैट, और कैटरीना सलमान के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। रणवीर का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि कभी उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया, बट लंदन में एक बार इन दोनों को स्मोकिंग करते हुए एक फोटो काफ़ी वायरल हुआ और इनके रिलेशन को काफ़ी हवा मिली। इट मे बी द र्यूमर और ए गॉसिप, नथिंग मच केम इन टू द पिक्चर। आलिया भट्ट, जी हाँ, इस लिस्ट में आलिया भट्ट का भी नाम आता है। रणवीर और आलिया ब्रह्मास्त्र की सेट पे मिले और रणवीर की आंखों का ब्रह्मास्त्र आलिया पे चल ही गया। अभी आलिया और रणवीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे तो रणवीर और आलिया की जोड़ी काफ़ी क्यूट है, बट रणवीर एटीट्यूड इज स्टिल डाउटफुल अबाउट मैरिज। वैसे तो आलिया और रणवीर को काफ़ी स्पॉट किया जा रहा है आजकल, इवन उनके फैमिलीज के साथ भी आलिया को देखा जा रहा है। हाल फिलहाल में एक शो में दीपिका ने तो गलती से आलिया और रणवीर की शादी की बात भी डिक्लेयर कर दी थी, फिर आलिया के मना करने पर उन्होंने बात को संभाला। अब देखना यह है कि रणवीर की ये लिस्ट कहाँ जाके रुकती है।